युवा 18 वर्षीय रेहान अहमद जेम्स विंस इस प्रतियोगिता में वो अच्छी तरीके से अच्छे फॉर्म में 152 रन बनाए, तीन बारे में गेंदबाजी नहीं की है इस प्रतियोगिता में, काश बल्ले के साथ कुछ योगदान दिया होता। पहले 6 ओवर बिल्कुल ठीक है आपने निखिल कि अगर ये पहले 6 ओवर में आपने 2 या 3 विकेट नहीं निकाली तो फिर राह बहुत कठिन हो जाएगी। यहां पहली विकेट ये लीजिए, हो गई शुरुआत, यहां पहली विकेट मिली है क्रिस वोक्स को और इन्होंने थोड़ी सी छेड़छाड़ यहां रहा। बहुत बढ़िया थी, गौर फरमाइएगा कि किस तरीके से अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया, नियंत्रण में नहीं थे और एक अच्छा कैच वहां पे जब गेंद उछाल पकड़ रही थी तो खुद भी उछले, उछाल को जज आते संगी बिल्कुल सामने मिड ऑन के सर के ऊपर से। थोड़ा सा ये नहीं समझ आया निखिल कि नया बल्लेबाज आया है, 2 स्लिप दी है कप्तान ने, आप आउटस्विंग क्यों नहीं डाल रहे। विकेट नंबर 2, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, क्या कैच पकड़ा है भाई। वास्तव के बाहर की वो गेंद थी, तेजी से अंदर ला रहे थे, वो सीधी निकल, जी हाँ साइकिल मिलेगी, वो जो सबसे बढ़िया कैच रहेगा इस प्रतियोगिता का और ये कैच जो है अच्छा शॉट है, बहुत बढ़िया शॉट, टाइमिंग अच्छी, प्लेसमेंट लाजवाब, पूरे नियंत्रण में बाउंस के ऊपर चढ़, पता चलता है कि वो ज्यादा प्रेशर में है रन बनाने को। विकेट और वो प्रेशर, वो साफ तौर से पता चला। हमेशा याद रखिए कंट्रोल तक कर सकते हैं जो चीज आपके वश में है, तो बल्लेबाज जो कर रहा है उसको करने दीजिए, आप अपनी अच्छी लाइन लेंथ पकड़ के गेंदबाजी करिए, यही मूल तत्व है गेंदबाजी के, सफलता आपको मिलेगी। और ये जो अभी कुछ हुआ है इसे हमेशा याद रखिएगा जुनैद साहब, इसी तरह से सफलता मिलती है। दिखाएंगे बाहरी किनारा, बाहरी किनारा, गेंद ऊपर डाली थी, थोड़ी सी शरारत की और वही काफी थी, एक और सफलता यहाँ हाथ लगती हुई शारजा वॉरियर्स की, गेंद डाली। ये बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं, इनको पता है कि बाहर वाली गेंद तंग कर रही है और वही करते रहिए। टेस्ट मैच लेंथ जो इनकी अपील होते हुए यहां पर जुनैद सिद्दीकी ज्यादा श्योर नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से रहमानुल्लाह गुरबाज, ये लीजिए बाउंड्री आई है, टप्पा ढूंढने की कोशिश कर, दीवार भी आए हैं, मनोरंजन ढूंढते हैं आप, और इस तरह के शॉट अगर खेलेंगे तो मनोरंजन मिलेगा, भरपूर मनोरंजन। बॉलर 97 रन बनाए कल के मुकाबले में और ये गेंद चली है बाहर। जी हाँ, एक समय ऐसा लगा होगा आपको कि बल्ले के बीच में आई नहीं, लेकिन कभी कभी गेंदबाज की रफ्तार का भी फायदा उठा लेता है बल्लेबाज। बहुत जबरदस्त एज लगा और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि फील्डर के पास जाएगा, बट लेकिन फील्डर से काफी दूर और 6 रन। अब इस वक्त मोइन अली के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या अब आप चेज हो सकता है या होना चाहिए, होगा या नहीं इस विकेट पर निर्भर करता है, क्योंकि क्रिस लिन ने सोचा एक बड़े शॉट से इस ओवर की शुरुआत करें, लेकिन ढूंढ लिया क्रिस वोक्स को, नहीं एक क्रिस ने दूसरे क्रिस को ढूंढने का, बट लेकिन उनको कहीं ना कहीं चांस तो लेना ही पड़ेगा। बट देखिए, अगर आप देखिए जो रिस्ट स्पिन जो कि उन्होंने बाहर किए और एलिवेशन नहीं मिला सके मारने में, अगर शायद अगर एलिवेशन होता तो उनके सिर के ऊपर से जाता, बट लेकिन ने फ्लैट गया और इसी वजह से जब बॉलिंग करता है तो आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। थोड़ा ज्यादा छोटा था गेंद नूर अहमद से और इतना समय का, ये क्या कैच नूर द्वारा, पकड़ना चाहिए था, पकड़ लेते तो यहीं पे गल्फ जायंट्स की दिक्कतें और बढ़ जाती। ऊप्स, पिक नहीं किया, बहुत तेज जाता है यहां पर
शॉट फाइनली नूर अपना हाथ देख रहे हैं क्योंकि उस हाथ से गेंदबाजी करनी है लेफ्ट हैंड से। अभी तक गेंदबाजी मिस टाइम हुआ है, कैच पकड़ा जाएगा और यही उम्मीदें भी खत्म हो जाएंगी गल्फ जायंट्स की। राउंड द विकेट वो एंगल जो बना था वो इनसाइड आउट, ये इनका पसंदीदा शॉट नहीं है। वो बैट के ऊपर ले भाग पे गेंद लगी तो पता चलता है कि थोड़ा सा पेस से बीट हुए थे इसीलिए वो टाइम नहीं कर पाए। ये लीजिए जरा, क्रिस जॉर्डन भी पता नहीं किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब जब से डेविड वीजे आउट हुए हैं इनके विकेट मिली है, कहां भाग रहे हैं देखना होगा क्योंकि लाइट गेंद जो है वो स्टंप्स को टकराई, यहां से देखते हैं वो छू के निकल गई और फिर वापस वहीं पे जाके अपनी जगह पे बैठ गई उसी खांचे में। ये लीजिए बल्ले पे इनके लिखा है टन और ये शॉट है टनाटन। भाई वाह, मजा आ गया। लगता है यॉर्कर की तलाश कर रहे थे हाफ वॉली, वो चेक शॉट बॉलर के सर के ऊपर से बहुत बढ़िया टाइमिंग जाके नवीन उल हक से। अब मोइन अली ने भी गति की गेंद ऊपर खड़ी हो गई है, नीचे आ गए हैं और यहां पे विकेट मिली है नवीन उल हक को। स्लोअर बॉल, अच्छी सोच वहां पे यो, जहां वो यॉर्कर की तलाश कर रहे थे। दो छक्के का है मोहम्मद, अभी बहुत अच्छे हाथ हैं इनके, सेफ हैंड्स है। ये ग्लीसन आए हैं बल्लेबाजी करने और ग्लीसन आए और ग्लीसन गए और इसी के साथ ये मुकाबला जीत लिया है शारजा वॉरियर्स ने। 21 रनों से ये मुकाबला जीता। इस प्रतियोगिता में डीबी वर्ल्ड आयल टी20 पांच विकेट जिन्होंने चटकाई और इस तरीके से वो पांचवी विकेट थी। बैट्समैनों ने शतक बनाए हैं लेकिन पहला गेंदबाज जिसने वो पांच विकेट चटकाई और वो भी ऐसी पिच पे जहां पे बल्लेबाजी करना वो आसान था लेकिन आज इस...